वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखने वाले घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। स्क्रीन में हटकर कुछ नया तो नहीं, जितना देना होगा उतना मिल जाएगा। हम में से काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि कितना बड़ा रैम होगा तो उतना स्मूथर एक्सपीरियंस फोन दे सकता है। वेल हाँ, ये भी एक जगह पर सही हो सकता है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब 4GB रैम में भी काफी स्मूथर एक्सपीरियंस ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसर कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है, इससे अब कुछ निर्भर होगा। मेरे को और आपको भी पता है, हम में से काफी सारे लोग Redmi या Xiaomi या फिर Mi ब्रांड कह लो, इनमें से काफी सारे इनके स्मार्टफोन यूज करते हैं। कभी सोचा है इतने कम प्राइस में ये लोग अच्छे स्मार्टफोन यानी कि अच्छे फीचर वाले स्मार्टफोन कैसे दे देते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस घटाओ, फोन में एड्स दिखा दिखा कर सारे जिंदगी भर पैसे कमाओ। ये तो सही नहीं है, नहीं है ना? क्या कर सकते है, कुछ भी नहीं। खैर, Redmi Note सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन जल्द ही इंक्लूड हो सकता है, जिसकी फोन का डिजाइन कुछ इस तरह ही हो सकता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 13। अगर देखा जाए मार्केट के अंदर अब तक Redmi Note सीरीज जितने भी लॉन्च किया है, मोस्टली लगता है बढ़िया स्मार्टफोन है। पर रुको, Redmi Note 13 की बात कर ले तो मेरा नाम है किरण और आप कर दो एक लाइक। मेनली स्मार्टफोन में दो वेरिएंट हो सकते हैं, एक 108 MP मेगापिक्सल की कैमरा कहा जा रहा है और एक 200 MP की कैमरा सेंसर, इसको एक DSLR कैमरा सेंसर भी कह सकते हो। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप कौन सा बाय करोगे, 108 MP या फिर 200 MP कैमरा। बाकी दो कैमराज होंगे 18+8 MP के, मेनली 200 MP कैमरा में AI कुछ ज्यादा ही हो सकता है और इससे एक नंबर की फोटोज और वीडियोस खींच सकते हैं। हम लोग तो माहिर है इंस्टा रील्स बनाने में, वो भी सड़क पे। खैर, टॉपिक को ना चेंज करते हुए टॉपिक पर बने रहेंगे। डिजाइन की ओर देखोगे तो बैक साइड में बम्पी कैमरा और Redmi का लोगो, दिखने में प्रीमियम लुक लगना भी चाहिए। फ्रंट में एक बड़ा स्क्रीन होगा, लगभग 7 इंचेस की फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी और इसके ठीक सेंटर अपसाइड में पंचोर कैमरा दी जाएगी, मींस 32 MP की सेल्फी स्नैपर। इसमें भी AI भर भर कर काफी सारे मोड्स मिल जाएंगे, 120Hz की रिफ्रेश रेट जो कि स्मूथर एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। अगर ये स्मार्टफोन वेरिएंट की बात करें तो मेनली दो वेरिएंट अभी तक लिस्ट हुआ है, 6GB रैम और एक 8GB रैम। 6GB रैम के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज होगी और 8GB रैम के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज होगी, जो कि हायर वेरिएंट 200 MP कैमरा के साथ आएगा। यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट दी जाएगी अप टू 128GB तक। इस बार Redmi Note सीरीज में बैटरी परफॉर्मेंस में काफी बड़ा उछाव देखने के लिए मिल सकता है, मींस लगभग 7000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में दी जाएगी और इसको चार्ज करने के लिए 67W फास्ट चार्जर हो सकता है। भाई, बड़े बड़े ट्विटर के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 120W की फास्ट चार्जिंग भी दी जा सकती है। खैर, देखेंगे आने वाले साल शुरुआत में शायद हमको ये स्मार्टफोन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। USB Type-C पोर्ट दी जाएगी, 3.5mm ऑडियो जैक, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन रॉकर्स, IR ब्लास्टर्स, सब कुछ स्मार्टफोन के अंदर सेंसर दी जाएगी। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।